पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जो मेरी फैमिली वालों ने आपको नहीं बताई, जिसकी वजह से मेरे 15 से 20 रिश्ते नहीं हो पाए। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? एक्चुअली मैं माँ नहीं बन सकती। अपने घर वालों को मना कर दो, मैं भी मना कर दूंगा यार, प्लीज। मैडम बताओ तो सही, क्या दिक्कत है क्या नहीं? अच्छा एक बार आप कैमरा ऑन करवा दीजिए। कैमरा ऑन करवाओ, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो मैं ऑन करवाऊंगा ना। अच्छा एक बार आप करवा दीजिए फिर मैं बताऊंगी। स्टार्ट है ना? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। देखिए मैडम कैमरा भी स्टार्ट हो चुका है, आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। ये सैम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई करा। इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो मेरी भी पास्ट एक्सपीरियंस में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। अच्छा, मेरे लिए काफ़ी रिश्ते आए, ऐसा ये नहीं कि मेरे साथ ही हुआ है। अच्छा। सबके साथ होता है ऐसा, हो जाती है कुछ चीज़ें। मेरे लिए काफ़ी रिश्ते आए बट वो रिजेक्ट हो गए अनफॉर्चुनेटली, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से जो मेरे पास्ट में हुई थी। अच्छा, कितने रिश्ते आए थे? मतलब मेरे लिए लगभग 15 से 20 रिश्ते आए थे। 15 से 20 में से एक भी मतलब पसंद नहीं आया आपको? पसंद की बात नहीं, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पास्ट में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से मुझे अभी फ्यूचर में वो करना पड़ रहा है। अच्छा, तो 15 से 20 रिश्ते आए थे मेरे लिए बट वो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ नहीं सबके साथ हो चुका बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो एक रिश्ता आया है वो काफ़ी अच्छा है, वो पुलिस कमिश्नर है, काफ़ी मेरी मतलब हेल्प करते हैं, मुझे समझते हैं। अच्छा, तो मैं उस सीट से काफ़ी खुश हूँ। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कुछ अपनी बात है जो किसी को बता नहीं पा रही, तो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो बताइए ना थोड़ा, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, क्या है कैसे? मैं आपको नहीं बता पाऊँगी एक्चुअली, मैं उन्हीं को ही बताना चाहती हूँ। उन्हीं को ही बताना चाहती है, मैं आपको नहीं बोल पाऊँगी। थोड़ा वो तो बताइए ताकि ऑडियंस को भी पता लगे ना, ऐसे कैसे चलेगा? पुलिस कमिश्नर है, मैं नहीं बता सकती, ऐसी कोई दिक्कत हो गई आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। तो बस अब एक बार वो जैसे भी आए ना तो आप बस कैमरे के सामने मत आना, कि अगर बाई चांस कुछ हो जाए आपको या कुछ उल्टी हरकत हो जाए तब तो मुझे आना पड़ेगा ना। नहीं, वो कुछ नहीं होने देंगे मुझे, मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो, अभी मिले हैं लेकिन। अच्छा, काफ़ी अटैच। तो आपकी लव मैरिज है? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है, काफ़ी दिन वो मेरे साथ रहे हैं, हम साथ में घूमे हैं, काफ़ी हमारा प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गई, बॉन्डिंग अच्छी हो गई है काफ़ी। अच्छा, तो बस सैम जी आप ये करिएगा कि जब भी वो आए ना आप उससे थोड़ी देर पहले चले जाइएगा और कैमरे के सामने बताइए, मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो अपना छोड़ करके दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, बाकी आज के डेट में तो लोग ज़्यादातर सेल्फिश ही है। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा उनको आने में। उनको भी 5 से 10 मिनट लगे। 5 से 10 मिनट भाई टाइम काफ़ी कम है। ठीक है भाई, कैमरा तो मैंने छुपा के लगा दिया, आप एक काम करिए माइक ऐसे लगा लीजिए, जो कुछ भी होगा इसके अंदर आवाज़ आएगी। ठीक है, अरे आ गए आप? हाँ जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आप वेट करा दिया ना मैंने। हाँ जी। यार तुम्हें पता ही है जॉब कैसी है मेरी, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको आने में? मुझे छोड़ो, तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी गर्मी में बैठे बैठे। नहीं, मेरे को आपका इंतजार था बस। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका काम? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब इससे ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। और बताओ आज चलेंगे घूमने? हाँ चलेंगे। कहाँ चलेंगे हम जल्दी? अच्छा कहाँ चलेंगे बताओ? जहाँ आपका मन करे वहाँ चलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताना है? अरे बताते रहना, पूरा दिन ही दिन पड़ा है, कहीं भी घूमेंगे तब बता देना क्या हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप सुनोगे ना मेरी बात? ऑब्वियसली मैं आया हूँ तो आपकी ही सुनूंगा ना। ठीक है, पड़ोसन की थोड़ी ना सुनूंगा। पक्का समझोगे ना? पक्का, क्या हुआ है बताऊँ? अच्छा खाना खाया आपने? हाँ। क्या खाया था? खाना मतलब सुबह खा लिया था, अभी देखते हैं साथ में खाएंगे ना। ठीक है साथ में तो खा। तुमने मुझे यहाँ बुला लिया इस पार्क में, यार बाहर चलते बाहर। हाँ चलेंगे, बाहर भी चलेंगे, लेकिन मुझे कुछ बताना है आपको। बताओ। आप कुछ करोगे तो नहीं, समझोगे ना मेरी बात को प्लीज? आगे बताओगे? देखो जो बोलना है क्लियरली बोलो। ठीक है ठीक है, आप पक्का जाओगे तो नहीं?
अब तो बिल्कुल नहीं समझ रहा। जाओ ऐसे क्यों कर रहे हो, प्लीज सुन लो ना। मैं सुन ही नहीं रहा। प्लीज मैंने आपको बुलाया, बहुत वेट करा है आपका। तो मुझे पता है वेट किया, तो आगे तो बोलो। पंडित जी बुलवाऊं? अच्छा मैं बोल रही हूँ, पंडित जी बुलवाऊं यहीं पे? रुक जाओ, मैं बोल रही हूँ, रुक जाओ। देखो एक बात है। क्या बात है? देखो सीरियस सो जाओ, आप हंसो मत। बहुत सीरियस बात है, हंसो मत यार। मैं ऑलरेडी ड्यूटी पे सीरियस रहता हूँ, कहीं तो मजाक में। हाँ तो ठीक है ठीक है, मजाक कर लेना, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। तुम ज्यादा सीरियस है, फिर मजाक कर रहे हो। सेंसिटिव टॉपिक है, समझो प्लीज समझो। तुम ज्यादा सेंसिटिव लग रहे हो यार। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा प्लीज मुझे बोलने दो। अच्छा बोल। अब सुन लेना, प्लीज हंसना मत बीच में, मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं तो मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ बोलने, प्लीज। जिम से लाए हिम्मत? कुछ खा के आए हो? हाँ मैं खा के आई हूँ। आप मेरी बात तो सुन लो, अब बात मत पलटो, पहले प्लीज मेरी बात सुन लो। बोलो प्लीज, मैं बहुत सीरियस हूँ, आप हंसो मत प्लीज, मुझे बोलने दो। मैं भी सीरियस हूँ। बोलो ना। आप देखो प्लीज समझना, प्लीज अभी हंसना मत। सुन लो, समझना, सुन लो तब से। अच्छा ठीक है ठीक है, अब आप शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। बोलो। देखो कुछ पास्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जो मेरी फैमिली वालों ने आपको नहीं बताई, जिसकी वजह से मेरे 15-20 रिश्ते नहीं हो पाए। उसके बाद मुझे आप मिले, मैं आपके साथ काफ़ी घूमी फिरी, हमारा काफ़ी काफ़ी अटैचमेंट हो गई हमारे बीच में, एक प्यारा सा बॉन्ड बन गया। और मैं आपको अब खोना नहीं चाहती सीरियसली। तो मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो यहीं हूँ। लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया था उस टाइम। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। एक्चुअली मैं माँ नहीं बन सकती। क्या? मैं माँ नहीं बन सकती। अब पागल वागल हो गया, क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो, बैठ तो जाओ। क्या क्या सुनूँ मैं, क्या सुन तो लो, क्या करूँगा मैं बैठ के? अच्छा एक मिनट बैठ तो जाओ आप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आपने कहा था ना सुनोगे, नहीं जाओगे। बोलो आगे बोलो। मैं माँ नहीं बन सकती। हाँ तो क्या करूँगा मैं, तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे शादी करूँगा? आप बैठ तो जाओ। सीरियसली आप बैठ तो जाओ, कहाँ जा रहे हो वैसे? अरे मैं करूंगा क्या तुमसे बात करके भाई, कल को मेरी फैमिली वाले मेरे छाती पर चढ़ देंगे, बच्चा बच्चा कहाँ से ला के दूंगा? हम समझा देंगे, मैं पैदा करूंगा, हम समझा देंगे उनको, प्लीज बैठ तो जाओ, मेरी बात। क्या समझाओगे उन्हें? हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? मेरे घर वालों को उनके उनके घर का चाहिए, मतलब मेरे से, और वो काम करती तुम। हम समझा देंगे, प्लीज प्लीज मत जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपनी पास्ट की गलतियां मेरे ऊपर थोपोगे? नहीं है, मैंने कुछ दवाइयाँ खा ली थी जिसकी वजह से ऐसी। तो वो गलती तुमने करी है, उसकी सजा तुम भुगतो, मेरे ऊपर मत डालो उन चीजों को, ठीक है? तो आपको तो मुझसे प्यार था ना? प्यार था ना? नहीं प्यार है ना आपको? प्यार था। अभी है ना आपको? अभी आपने मुझसे बात की। लेकिन ये वाली जो बात बोली है ना, वो आपने सब खत्म कर दिया, आई समझ में? आपने कहा था आप समझोगे। मेरे को कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं। प्लीज समझ प्लीज। अरे यार प्लीज ना, ये ड्रामे मत करो मेरे आगे, ठीक है? प्लीज ये ड्रामे मत करो मेरे। मैं ड्रामे नहीं कर रही, प्लीज मेरी बात समझ रही हो, कोशिश करो। तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाके क्लियर कर दूंगा। प्लीज क्या please, कर रहे हो यार please. क्या यहाँ पे पार्क में ड्रामे मत करो, खड़े हो जाओ। प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। प्लीज अपने घर जाओ, अपने फैमिली वालों को मना करो, और मैं घर जाके मैं क्लियर करूंगा। प्लीज मत मना करना, मुझे नहीं रहना। प्यार करती हूं ना, मत जाओ। क्या करूंगा मैं इस प्यार का, क्या करूंगा मैं इस प्यार का? प्लीज मत जाओ, बकवास मत करो, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। अपने घर वालों को मना कर दो, मैं भी मना कर दूंगा यार, प्लीज मत जाओ। क्या हो गया, गए नहीं ना अभी तक तुम? नहीं जाऊंगी मैं कल को। यहाँ एक बात होता है, यहाँ पे तुम अकेले बैठे हो, पार्क कैसा है क्या नहीं है, पूरे में जंगल है, कुछ हो गया किसके ऊपर बात आएगी? तुम मिलने तो मेरे से आए थे ना, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या समझूं, तुम्हें रोना है ना, तुम बैठ के रोती रहो, ठीक है? प्लीज, मैं ही जा रहा हूँ, प्लीज मत जाओ, मैं ही जा रहा हूँ, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ, घर जाओ अपने, मेरे को नहीं जाना, घर जाओ अपने, मैं आपके साथ ही जाऊंगी अब घर, प्लीज। तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? नहीं मैं छोड़ दूं, लेकिन आप मेरी बात तो समझो।
क्या समझो बता। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप भी तो करते हो ना, करते हो या नहीं? पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम इतना घूमे साथ में, हमारा काफी अच्छा बॉन्ड बन गया। प्लीज अब आप मेरे को छोड़ दोगे? मेरे को नहीं रहना साथ में। आप मुझे प्यार नहीं करते क्या? बोल तो दिया पता नहीं। नहीं झूठ बोल रहे हो आप। बोल दिया ना मैंने? नहीं मत जाओ। अरे तुम घर जाओ अपने, मेरा दिमाग ना खराब करो ठीक है? प्लीज मत जाओ, घर जाओ अपने। चलो नहीं मत जाओ। चलो चलो चलो, मुझे घर नहीं जाना प्लीज। मेरा नंबर डिलीट कर दो फोन में। नहीं करूंगी मैं अपना नंबर डिलीट, प्लीज आप कर दो ना। जाओ नहीं। अच्छा रो क्यों रहे हो? आप छोड़ के जा रहे थे इसलिए। बस बस नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो आप अभी कहाँ रहे थे? मैं घूमने गया था, देखने गया था कुछ खाने पीने का है कि नहीं है बाहर। मजाक ले रहा हूँ आपको, मैं यहाँ रह रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हैं आप जा रहे थे ना, आप तो चले गए थे ना। अरे नहीं गया, मैं बाहर गया था कुछ घूमने। बैठो यहाँ बैठो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इतने आसानी से? एक काम करो वहाँ जाके बैठो ठीक है, इतनी दूरी घर नहीं आ सकते। एक तो मैं पूरा पार्क घूम के आया हूँ तुम्हारे लिए, कुछ देख के आया हूँ बाहर पता है। मेरे लिए आप तो छोड़ के जा रहे थे ना मुझे, इस हाल में सबकी तरह ही छोड़ के जा रहे थे आप भी। मैं तो नहीं जा रहा छोड़ के। अब जा रहे थे छोड़ के। अब तुम नहीं गई, मेरी गलती है, तुम यहीं मिल गई मेरे को। मुझे लगा बाहर आओगी, बाहर तुम आई नहीं, फिर मुझे आना पड़ गया। अच्छा वैसे एक चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे आप। आप क्यों नहीं समझ रहे? बस ना बस 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 बस। अच्छा वैसे कुछ बताऊँ? देखो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। अब तुम्हें लग रहा है डर कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो इस चीज़ को मैं प्रूफ कर दूं एक चीज़ करके कुछ। मैं ना कुछ लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, ये इस बात का प्रूफ है। समझे? खड़े हो, खड़े हो। अब तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं इससे? अब ये लेके आ गया, अब भी प्रॉब्लम गिनवा रही हो मुझे? खुश इधर देख लो अब, और साथ में ये भी। खुश अब? हाँ। अब तो नहीं लग रहा डर? नहीं। और कुछ दिक्कत? नहीं। और कुछ पूछना है? नहीं बैठ जाओ आप। कहाँ बैठ गए? यहाँ गर्मी हो रही है। अच्छा हम चल लेंगे ना, बैठ जाओ। कहाँ जाना है बताओ, क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। मुझे तो नहीं खुश हो ना। अब एक बात बताऊँ, एक बात बताऊँ, मुझे लग रही है भूख। अच्छा चलें फिर। कहाँ जाना है? कहीं अभी तो यहीं चलते हैं, कुछ खा के आते हैं यार। चलो चलो फोन तो उठा लो अपना। अच्छा ना आओगी कंप्लेंट लिखवाने फिर? चलो, चलो।